नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल में बोट क्लब लेक व्यू पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक का खून से लथपथ शव मिला। युवक का अज्ञात बदमाशों ने चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी। शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने मृतक की पहचान टीला जमालपुरा इलाके का रहने वाला सरफराज के रूप में कर ली है। शुरुआती जांच में सामने आया कि मृतक सरफराज नशे का आदी था। वह अक्सर दोस्तों के साथ अपर लेक पर नशा करने आता था। अनुमान लगाया जा रहा है कि नशा करने के दौरान उसको मौत की घाट उतारा गया है। मृतक के शव पर धारदार हथियार से वार के कई निशान भी मिले हैं। मृतक कल रात से अपने घर से लापता था। परिजनों ने बताया कि रात में श्रावण नामक युवक का उनके पास फोन आया था। सरफराज की लड़ाई हो गई है, वे अपर लेक पर पड़ा हुआ है। वहीं परिवार वालों ने शक जाहिर करते हुए कहा कि जिन परिस्थितियों में सरफराज बैठा था, संभवतः है कि अमन नाम के युवक ने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया है। फिलहाल पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस सब आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस का दावा है कि इस अंधे कत्ल का जल्दी पर्दाफाश कर दिया जाएगा। थाना श्यामला क्षेत्र अंतर्गत अपर लेक के ऊपर पहाड़ी के साइड में एक 25 वर्षीय लड़के की बॉडी मिली है, जो हमारे अभी तक के प्रारंभिक जानकारी लेने पर ये सरफराज है और निवासी थाना टीला जमालपुरा क्षेत्र का है। इसकी बॉडी मिली है। परिजन आए हैं यहाँ पे, परिजनों ने क्या बताया, कुछ क्या निकल कर आया अभी? परिजन ने जो बताया है, रात में जो कॉल आया था उसके आधार पर एक साबर नाम का इसका दोस्त है और अमन नाम है। अमन ने संभवतः इन पे जो भी यहाँ जिस भी परिस्थिति में बैठे थे, तो अमन ने जहाँ तक है वार किया है, जिससे उस वार से डेथ हुई। कहाँ लगी है इसके, क्या चाकू से वार किया गया है या किस तरह से? ये शार्प ऑब्जेक्ट से जो हम लोग ने बॉडी देखी है उसको देख के ये लग रहा है कि इसके हेड पर वार हैं, दो वार हैं और पेट पे भी इंजुरी है। तो इसको देख के ये लग रहा है कि ये शार्प ऑब्जेक्ट की इंजुरी है। आरोपियों के इस मामले में राउंड अप किया गया है या कुछ? हमारी टीम लग गई है। घर वालों ने अभी तक क्या बताया है कि कब से लापता था घर से? ये कल रात से बता रहे हैं कि 10 बजे के बाद से नहीं मिला था। फिर इनके दोस्त के पास एक फोन आया था और उस आधार पर आज थाने को सूचना मिली हमारे स्टाफ को, और उनके जो परिजन थे वो भी यहाँ पर लेक पर जानकारी के बाद ढूंढ रहे थे। उसके बाद ढूंढने के टाइम पे ये बॉडी मिली है और अभी तक के इसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि अमन का नाम आ रहा है, वी होप सो कि हम जल्दी ही इसको राउंड अप कर लें। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।